देवास संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद सिंह टिपानिया के समर्थन में सभा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शाजापुर जिले के ग्राम बूमतलाई में आए। सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा। उन्होंने नोटबंदी जीएसटी से हुए नुकसान के बारे में भी बताया। वहीं उन्होंने कहा कि श्रीलंका में हमला होने के बाद वहां के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन पुलवामा का हमला होने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने पूछा तक नहीं, हमले की समीक्षा अभी तक नहीं की गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा कहती है कि देश खतरे में है, जबकि मैं बताना चाहता हूं कि देश में 350 साल मुगलों का राज रहा, 150 साल ईसाइयों का राज रहा, जब देश को कोई खतरा नहीं हुआ तो, लेकिन भाजपा कहती है कि अब देश को खतरा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर ओलंपिक प्रतियोगिता होती है तो उसमें झूठ बोलने का गोल्ड मेडल नरेंद्र मोदी को ही मिलेगा और रजत पुरस्कार शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश को 17 सीटें मिलेंगी। पुलवामा की घटना के लिए नरेंद्र मोदी जी आप खुद जिम्मेदार हैं। 6 दिन पहले सूचना आ गई थी कि शहीदी दस्ते जैश ए मोहम्मद ने भेज दिए हैं। आप समझ लीजिए सारों के पास जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कड़ी सुरक्षा के अंदर जहां 2500 सीआरपीएफ के जवान जा रहे हैं कश्मीर जैसी जगह में, लेकिन उसके बाद सुरक्षा की चूक हुई, 44 लोग मरे, उसके जवाब तलब क्यों नहीं किया गया? श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुआ, 300 लोग मरे, वहां के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के, इतने बड़ा आतंकी हमला होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने किसी से पूछा तक नहीं। मुझ पर विशेष कृपा है मोदी जी, मध्य प्रदेश में आएंगे तो दिग्विजय सिंह का नाम लेके बिना जा नहीं सकते। उनके सपनों में दिग्विजय सिंह आते हैं ऐसा मुझे लगता है। वो व्यक्ति सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है, सबसे बड़ा। इतना बड़ा झूठ बोलने वाला उपयोग राजनीति में करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, अरे मेरे भाई 550 साल मुसलमानों का राज रहा, 150 साल तक ईसाइयों का राज रहा, तो हमारे सनातन धर्म जो लाखों साल से चला आ रहा उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब क्या होगा? केवल धर्म का वो दिखा के, डर दिखा के केवल वोट कवाड़ना। और आप कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या लोगों को परेशान करना यह धर्म है? क्या वादा खिलाफी करना यह धर्म है? क्या झूठ बोलना यह धर्म है? क्या लोगों को के पैसे, जमा हुए पैसे, उसमें से दलाली कर ले, यह क्या धर्म है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने वादे किए 25 लाख करोड़ का काला धन विदेशों से आ जाएगा, में कोई कमी नहीं की। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, बड़ा राष्ट्रवाद का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रभक्ति का चुनाव हो रहा है, मोदी सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। अरे वो कैसा राष्ट्रभक्त है जो लोगों की नौकरियां छीन ले? वो कैसा राष्ट्रभक्त है जो लोगों को मूर्ख बनाए? ये कैसा राष्ट्रभक्त है जो जानकारी होने के बाद भी, सूचना होने के बावजूद भी सीआरपीएफ के जवानों का पुलवामा में उनके आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या को रोक ना पाए, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? राजा साहब क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार कितनी सीटें आएंगी? हमको लगभग 14 से 17 सीटें आनी चाहिए। शिवराज सिंह जी का ये आरोप है कि 4 साल में मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। 4 साल में, 4 महीने में, हाँ, उन्होंने 15 साल में क्या स्वर्णिम बंदर बना दिया? बहुत केवल झूठों का आडंबर और केवल झूठ 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 और उसके अलावा कुछ नहीं। एक और चीज़ जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। प्रजातंत्र की लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, बाकी इस प्रकार के बात नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के, जो कि बहुत बड़े सामाजिक एक कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी, उनकी मूर्ति को तोड़कर भाजपा ने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ।